हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत स्टूडियो पर। आज का ये वीडियो बीएससी सेमेस्टर दो मैथमेटिक्स का रहेगा। बीएससी सेमेस्टर दो मैथ का रहेगा। मैथ में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही थी, तो उसी के सवालों को करेंगे। ये देखिएगा, आज ये वाला सवाल है आपका। देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से है और फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट के सवाल मैं आपको कराऊं। सो दैट y बराबर ए प्लस साइन ए बी इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, यानी इस इक्वेशन का ये वाला सॉल्यूशन है। ये इस तरीके से रहता है सवाल। और देखिएगा, कुछ अब मैं आपको सवाल कराऊंगा। ये देखिएगा, न्यू कॉन्सेप्ट के सवाल हैं। ये न्यू कॉन्सेप्ट के सवाल कैसे कि यदि जी वाई डी वाई बराबर एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, इस तरीके की इक्वेशनों को, जैसे कि ये दे रखा है, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सवाल में देखिएगा, ये सवाल क्या कह रहा है कि आपको सिंपल सा इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ये देखिएगा, इसको बड़ा कर दे रहे हैं पहले, तब आपको मजा आएगा। ये देखिएगा, ओके, चलिए यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आपको दे रखी है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ए प्लस बी। ये वाली इक्वेशन है, ध्यान से समझिएगा, इसको समीकरण एक मान लो। अब हम इसका क्या कर दें, डिफ्रेंसिएट कर दे रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, या आप ए के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, या आप, ये सवाल कुछ गलत लिख दिया मैंने, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पर एक्स प्लस वाई है या कुछ और है, मैं एक सेकंड चेक कर ले रहा हूँ इस सवाल को। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मैंने कुछ इसमें एक्स प्लस बी है, ये यहां पर देखिएगा, ये ए नहीं है, इसको काटो। यहाँ पर ये जो सवाल है, एक्स प्लस बी इस तरह से दे रखा है। ओके, सवाल ये है, तो यहां पर भी हमको कितना लेना पड़ेगा, ये एक्स प्लस बी ये है। अब हम इसका क्या करते हैं, इक्वेशन वन का हम डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, तो यहां पर लिख दे रहे हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा वाई का। ये ए जो कहते हो क्योंकि कॉन्स्टेंट है, इनटू, अब आपका देखिएगा साइन थीटा का यदि हम अवकलन करते हैं तो वो कितना आता है, साइन थीटा का अवकलन कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा होता, साइन थीटा का केवल कॉस थीटा होता है, साइन थीटा का केवल कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहां पर यदि मैं इसको देखिएगा ध्यान से, साइन थीटा यानी कि ये एक्स प्लस बी है, साइन थीटा का यदि मैं अवकलन करूं तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा का अवकलन करूंगा मैं तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि ये वाली चीज आप ऐसा समझिएगा, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, तो ये वाली चीज को आप एक्स मान लो तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस बी। जिसको हम एक्स मानते हैं उसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, यानी कि जिसको हम एक्स मानते हैं उसका हम दोबारा से अवकलन करेंगे, यानी कि एक्स प्लस बी को आपने एक्स माना, इसका दोबारा से करेंगे तो ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। ठीक है, इंटू इसका अवकलन, एक्स प्लस बी का अवकलन करेंगे, एक्स का अवकलन वन और बी यहां पर कॉन्स्टेंट है, तो यानी इसका अवकलन डायरेक्टली वन आ जाएगा, तो टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा, ए कॉस एक्स प्लस बी ये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए कॉस एक्स प्लस बी इतना आ गया। अब यहां पे हम दोबारा से अवकलन करेंगे तो यहां पे लिखेंगे अगेन डिफ्रेंसिएटिंग, अगेन डिफ्रेंसिएटिंग, तो इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो जाएगा। तो देखिए उसी तरह से करेंगे, ये ए तो यहां पर जोंका त्यों रहेगा, इनटू अब कॉस एक्स का देखिएगा ध्यान से, यहां पर देखो समझ लो कि कॉस एक्स का अवकलन यदि हम करते हैं तो माइनस का साइन एक्स आता है, तो यहां पर ऐसा समझिएगा, ये देखिएगा इस वाली चीज को ध्यान से समझिए, ये एक्स प्लस बी को आप दिमाग में अपने में एक्स समझो, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस बी।
और जो एक्स माना है उसका दोबारा से करना पड़ेगा, तो एक्स प्लस बी का दोबारा से करेंगे यानी एक्स का अवकलन 1 और बी का 0, तो 1 प्लस 0 यानी 1 आ जाएगा। तो टोटल मिलाकर देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर ये हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी हो जाएगा, ये आ जाएगा। और यहां से देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से आप ध्यान दोगे तो ये जो वैल्यू है किसकी है, इक्वेशन 1 ये वाई की वैल्यू है, ए साइन एक्स प्लस बी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे यूजिंग यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का हम यूज करेंगे, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस वाई हो जाएगा। क्यों, ये वाली जो वैल्यू है यहां पर, ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी है, ये वैल्यू, ये वैल्यू आपकी वाई की है, तो यहां पर वाई हो जाएगा। अब वाई को मैं इधर ले आऊं तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई बराबर 0 हो जाएगा। यही चीज हमको प्रूव करनी थी, यही चीज हमको प्रूव करनी थी। देख लीजिएगा ऊपर हमको क्या करना था, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई बराबर 0, कितना आ गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई बराबर 0। इस तरीके के सवालों को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये आपका सवाल हो चुका है। ओके चलिएगा, यहां तक भी आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं बहुत ही प्यार से। ओके चलिए अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट यहां तक ले लीजिएगा। अब न्यू कॉन्सेप्ट वाले सवालों पर आ जाते हैं। ये देखिए न्यू कॉन्सेप्ट वाले सवाल हैं इस तरीके के, हम क्या करेंगे ये देखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे इनको हम, ठीक है। अब आपको ये क्या है कि ये अवकलन दे रखा है, तब आपको ये दिखाना है कि ये बताओ कि ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो ये चीज हमको पता करनी है। ओके चलिएगा, तो अब हम इसका सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए देखिए दो तरह के हैं, आप ऐसा समझिएगा वाई वाले फंक्शन को एक तरफ और एक्स वाले को एक तरफ कर दीजिएगा, फिर डी वाई को वाई वाले के साथ ले लेंगे और एक्स यानी एक्स का जो फंक्शन है उसके साथ में हम डी एक्स ले लेंगे। इतना काम करो पहले, तो ये देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स को जोंका त्यों रखो, ये यहां पर कितना है 1 प्लस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से आप पहले वाई कॉमन ले लो, वाई कॉमन ले लूंगा तो यहां पर 1 बचेगा प्लस, और यहां पर देखिएगा ये वाई कॉमन चला गया, यहां से देखिएगा यहां से वाई और यहां से वाई चला जाएगा, तो यहां पर 1 बचेगा और यहां पर केवल एक्स बचेगा ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा ये 1 प्लस एक्स है और यहां पर भी आपको 1 प्लस एक्स ही दिखाई दे रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर यहां से देखिएगा ये 1 प्लस एक्स है और ये भी 1 प्लस एक्स है, तो यहां से मैं 1 प्लस एक्स को कॉमन ले ले रहा हूं। यदि मैं यहां से 1 प्लस एक्स को कॉमन लूंगा तो यहां से पूरा 1 बचेगा प्लस, और यहां से 1 प्लस एक्स ये वाला, यानी कि हम कौन सी चीज को कॉमन ले रहे हैं, ये वाली चीज को, यानी कि ये पूरा यहां से ये 1 प्लस एक्स कॉमन गया, यहां से ये 1 प्लस एक्स कॉमन, यदि ये पूरा चला जाएगा तो यहां पर ये 1 बचा और यहां से ये पूरा चला जाएगा तो यहां पर कितना बच रहा है, ये प्लस का वाई बच रहा है, ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब मैं क्या करूंगा, वाई वाले टर्म को एक तरफ ले आऊंगा, एक्स को इधर, तो मैं क्या करूंगा पहले डी वाई बराबर ये 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं इधर मैंने क्या करा, इस डी एक्स ये वाला डी एक्स था, इसको मैं इधर ले आया, डी एक्स हो जाएगा। तो ये एक्स वाले टर्म को इधर रखूंगा, इसको इधर ले आऊंगा, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस वाई ऐसे आ जाएगा, साथ में ये डी वाई आ जाएगा बराबर, और ये कितना है इधर आपका 1 प्लस एक्स और ये साथ में आपका आ जाएगा डी एक्स, ऐसे आ जाएगा, ये चीज आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, अब यहां पे क्या कर देंगे इंट्रीगेटिंग, ठीक है, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे इंट्रीग्रेट करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन, तो यहां पे लिख देंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो देखिएगा इंट्रीगेट करेंगे तो हम देखिएगा यहां से लिख रहा हूं मैं आपका, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसको भी मिटा दे रहा हूं, इसको भी यहां से ऊपर समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक। ये जब हम इसका इंट्रीगेट करेंगे तो ये इस तरह से समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस वाई और साथ में ये आ जाएगा डी वाई बराबर, और इधर आपका कितना है इसका भी समाकलन करेंगे तो ये है 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा आपका डी एक्स, इस तरह से समाकलन आ गए। अब मेरे को ये चीज बताइए,
वन अपॉन वन प्लस वाई का समाकलन कितना हो जाएगा? आप जानते हो कि यदि यहां पर वन अपॉन वाई, देखिएगा इस तरह से, वन अपॉन एक्स का यदि हम समाकलन करते हैं तो उसका समाकलन लॉग एक्स होता है। इसी तरीके से यदि यहां पर वन अपॉन एक्स के साथ में एक्स प्लस माइनस कोई भी चीज यहां पर कांस्टेंट जुड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉग, और यहां पर हम एक्स प्लस माइनस भी इस कांस्टेंट को ले लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर आपका ऐसे भी मान लीजिए कि यदि यहां पर कोई भी कांस्टेंट है और उसके साथ में प्लस माइनस यहां पर आपका दे रखा है, केवल ये चीज यहां पर देखिएगा, केवल ये प्लस के लिए अलाउ होती है, यहां पर ये वाला जो अब मैं बता रहा हूं कि वन अपॉन यहाँ पे दे रखा है ए प्लस और ये दे रखा है यहाँ पर एक्स, इसका मेरे को समाकलन करना है तो इसका लॉग ए प्लस एक्स आता है। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पर वन अपॉन ए माइनस एक्स होता है उसका यदि हम समाकलन करते हैं तो लॉग, यहाँ पर देखिएगा लॉग के साथ में यहाँ पर हमारा माइनस आ जाता है, माइनस, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए माइनस एक्स आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि यहां पर इसके साथ में देखिएगा, यहां पर नहीं, इसी के साथ में यहां पर हम माइनस लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं माइनस, देखिएगा, क्योंकि इसी के साथ में आपका माइनस का वन यहां पर आ जाता है। क्यों आ जाता है इसके साथ में माइनस वन? क्योंकि हम नीचे वाले का अवकलन करते हैं, वन का, इसका एक अवकलन करेंगे जीरो हो जाएगा, और इसके साथ में हम एक्स का अवकलन करेंगे तो वन रहेगा लेकिन माइनस का वन आ जाएगा यहाँ पर, और इसका अवकलन करेंगे प्लस का वन, तो प्लस के वन को लिखो या मत लिखो लेकिन इसके साथ में माइनस का वन, तो ये नहीं, माइनस इसके साथ में लग जाता है। इन चीजों को याद कर लीजिएगा, ये हर जगह काम आएंगी, कि वन अपॉन एक्स का समाकलन लॉग एक्स होता है, वन अपॉन एक्स प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट जुड़ा हुआ है तो उसके साथ में जुड़े या घटे तो वो कॉन्स्टेंट ज्यों का त्यों रहेगा, और प्लस में आगे आ रहा है कांस्टेंट तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी वही रहेगा। लेकिन यदि यहां पर ए माइनस एक्स है तो बस इसके साथ में माइनस वन की भी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इनको फॉर्मूला के तौर पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और याद भी कर सकते हो। ओके, चलिए अब बहुत ही प्यार से हम आगे करते हैं इस सवाल को, आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। देखिए जब मैं इसका समाकलन करूंगा तो ये वाई है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा, सॉरी लॉग वन प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिएगा ये वन, ये अपने आप में एक है वन प्लस वाई, तो ये लॉग वन प्लस वाई ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब देखिएगा वन का समाकलन करेंगे किसी भी कांस्टेंट का, यदि हम समाकलन करते हैं कोई भी कांस्टेंट है और उसका डीएक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो उसी कांस्टेंट के साथ में, ठीक है, कॉन्स्टेंट के साथ में हमारा उस एक्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसे यहां पर वन है तो वन के साथ में एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वन एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस, और एक्स का समाकलन करेंगे केवल एक्स का, यानी कि ऐसे समझो एक्स की पावर एन होता है उसका हम यदि समाकलन करते हैं तो क्या आता है, एक्स की पावर एन प्लस वन बट्टे एन प्लस वन आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यदि मैं केवल एक्स का करूंगा तो इसका मतलब यहाँ पर एक है, तो कितना हो जाएगा, एक प्लस एक, नीचे भी एक प्लस एक आ जाएगा। इतना तो आपने 12th क्लास के समाकलन में करा होगा, तो इसका यानी एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन करूंगा तो एक्स स्क्वायर बट्टे दो आ जाएगा। फिर प्लस यहां पर इधर वाले पक्ष में, यानी कि वाई वाले, एक्स वाले पक्ष में आप यहां पर कोई भी कांस्टेंट जोड़ोगे, कांस्टेंट भी उसी लेवल का जुड़ना चाहिए। यदि यहां पर लॉग लॉग आता तो यहां पर लॉग लॉग सी जोड़ता, लेकिन यहां पर अकेला है तो इसलिए सी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं तो सी जोड़ेंगे। यदि ये पूरा लॉग में होता तो लॉग का कॉन्स्टेंट जोड़ता, यदि वाई ई की पावर में होता तो ई की पावर का कॉन्स्टेंट, जैसा आपका सवाल है उसी तरह उसी लेवल का कॉन्स्टेंट जोड़ते हैं हमेशा। तो ये आ गया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है, अब ये सवाल ये था कि ये आपका जो इक्वेशन दे रखी है तो ये बताओ ऐसी कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम अवकलन करें एक बार तो वो इतना आ जाए, तो वो इक्वेशन ये है, इसका आप यदि एक बार अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष तो इतनी वैल्यू आएगी, ये होता है ऐसे सवालों का मतलब। ठीक है, ये आ गया, क्लियर है बात, ऐसे आप इसको कर सकते हो, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब आगे एक और सवाल लेते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये है, अब मैं ऐसा किया करूंगा इसके दो पार्ट कर लिया करूंगा। ठीक है,
ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिएगा इसको सॉल्व करना है मेरे को तो कैसे करूंगा। देखिए ये डी वाई अपॉन सॉल्यूशन हम इसका करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लॉग वन एक्स प्लस वन है। ओके, एक्स वाली तरफ को एक तरफ ले जाएंगे हम, तो डी वाई बराबर ये आपका लॉग एक्स प्लस वन है और साथ में ये डी एक्स आ गया। अब दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेटिंग डी वाई बराबर इंटीग्रेटिंग लॉग एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स से, समझिएगा ये आ गया, ये लिख दिया। अब आपको लग रहा होगा ये लॉग एक्स का समाकलन डायरेक्टली कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी कभी भी लॉग एक्स की बात आती है, ध्यान से समझिएगा, लॉग एक्स या लॉग स्क्वेयर है या कुछ भी है, इसका आप यदि समाकलन करते हैं तो हम इसका डायरेक्ट नहीं करते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके साथ में हम, जैसे ये है तो हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं, इसके साथ में हम यहाँ पर एक और फंक्शन मानते हैं। कौन सा फंक्शन, यहाँ पर हमें एक और फंक्शन यहाँ पर वन मान लूं। ठीक है, अब ये देखिएगा, अब कौन सा इसमें रूल अप्लाई होगा वो समझिएगा। आपने दो फंक्शन का रूल आपने सीखा होगा, दो फंक्शन वाला रूल कौन सा मैं आपको बता दूं, याद आ जाएगी आपको। समाकलन पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन होते हैं उसका यदि समाकलन करते हैं तो कैसे करते हैं, पहला फंक्शन जो करते हैं दूसरे का समाकलन, फिर माइनस, फिर एक समाकलन, फिर ब्रैकेट, पहले वाले का अवकलन। ठीक है, पहले वाले का अवकलन फिर इंटू दूसरे का समाकलन, ठीक है, फिर टोटल लगा के ब्रैकेट, फिर टोटल का समाकलन, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर ऐसा समझिएगा, लॉग एक्स होता है उसका डायरेक्टली समाकलन नहीं होता है, तो वहां पर इसको दिमाग में रख लीजिए, इसको हम पहला फंक्शन मानेंगे और इसके साथ में हमेशा हम एक की मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हमेशा हम दूसरा फंक्शन मानेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, ये देखिएगा, इसका समाकलन वाई का, डी वाई का समाकलन तो डायरेक्टली वाई हो जाएगा, सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। इसका इसका कैसे करेंगे, पहला फंक्शन जो कहते हैं, देखिएगा पहला फंक्शन जो कहते हैं, यानी कि लॉग लॉग एक्स प्लस वन, ये जो कहते हो, फिर समाकलन दूसरे का समाकलन यानी कि वन का समाकलन, फिर माइनस, फिर समाकलन, फिर ब्रैकेट, पहले वाले का अवकलन यानी कि डी अपॉन डी एक्स, और ये लॉग एक्स प्लस वन इसका अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, दूसरा क्या है वन है, तो वन का आपको क्या करना पड़ेगा समाकलन, फिर ब्रैकेट और टोटल का समाकलन। इस तरह से बस इसको आपको अब सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व, देखिएगा ये है आपका लॉग एक्स प्लस वन है, ओके, इनटू वन का समाकलन, मैंने क्या बताई थी, यहाँ पे पांच होता तो एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो पांच एक्स आ जाएगा, यहाँ पे वन है तो वन एक्स आएगा, तो वन एक्स का मतलब सीधे सीधे एक एक्स लगा देंगे, माइनस, ये समाकलन है। अब देखिएगा इसका अवकलन यानी कि लॉग एक्स का, देखिएगा लॉग एक्स का यदि हम अवकलन करते हैं, ध्यान से समझिएगा, लॉग एक्स जो होता है उसका हम अवकलन करते हैं तो वन अपॉन एक्स आता है, लेकिन इसके साथ में यदि यहां पर लॉग डी अपॉन डी एक्स, 11वीं के इंटर में तो आपको सिखाया होगा लॉग एक्स प्लस माइनस जो भी है उसका यदि हम अवकलन करते हैं तो वो भी जो कहते हैं रहता है, प्लस माइनस ए ही आएगा। यहां पर एक्स प्लस ए है तो यहां पर वन अपॉन एक्स प्लस वन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स प्लस वन है तो एक्स प्लस वन ही आएगा। यदि यहाँ पर एक्स माइनस वन होता तो यहाँ पर एक्स माइनस वन आता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू, और वन का अवकलन करेंगे, वन का सॉरी यहाँ पर वन का समाकलन करेंगे तो वही यहाँ पर, जैसे यहाँ पर वन का समाकलन कितना आया है एक्स आया है, ऐसे यहाँ पर भी वन का समाकलन वन एक्स आ जाएगा इस तरीके से, ब्रैकेट, और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स, ये चीज आ जाएगी आपकी। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखोगे तो वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस समाकलन एक्स बट्टे एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा।
हेक्स की मल्टीप्लाई इधर वन में हो जाएगी तो एक्स प्लस वन आ जाएगा, और नीचे एक्स प्लस सॉरी वन की मल्टीप्लाई एक्स में होगी तो एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस वन ये जो कहते हैं माइनस, ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको देखिएगा, बस ये चीज सॉल्व करना और रह गया है बाकी। तो देखिए मैं आपको बता दूं ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते, चलो यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ आपको ना समझ में आए। तो y इज इक्वल टू देखिएगा इस वाले x को, मैं इस वाले x को पीछे की साइड में लिख दे रहा हूँ ताकि अच्छा लगेगा, x ये log x प्लस वन ओके माइनस समाकलन x बट्टे नीचे दे रखा है आपका x प्लस वन, और इसका क्या करना है हमको समाकलन करना है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, नीचे एक्स प्लस वन है तो हम इसमें क्या करेंगे एक वन जोड़ देंगे और एक वन हम यहाँ पर घटा देंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि वन से वन कट जाएगा भाई, चार में आप एक जोड़ दो और एक घटा दो तो बात तो वही रहेगी, ये चार ही रहेगा, कोई दिक्कत, ये चार है चार बराबर चार प्लस वन माइनस एक, यानी चार और एक पांच, पांच में से एक गया फिर चार आ जाएगा। लेकिन अब मेरा एक सवाल ये सॉल्व हो जाएगा, ये सवाल किस तरह से सॉल्व होगा जरा ध्यान से समझिएगा। ऐसे सवालों को देखिए समाकलन करना आपको आना चाहिए, y बराबर x log x प्लस वन। अब ऐसे समाकलन को कैसे करते हैं हम देखिएगा, अब ये x प्लस वन है तो x प्लस वन ऊपर ऐसे रखिएगा और ये माइनस का वन है, अब इसका क्या करना भिन्न के रूप में अलग अलग कर दो, यहाँ पे नीचे एक्स एक्स प्लस वन कर दोगे और इसके नीचे भी आप एक्स प्लस वन कर दोगे। इस तरह से आपने क्या करा, इसको भिन्न के रूप में आपने इसको तोड़ दिया इंटू डी एक्स। तो अब क्या होगा देखिएगा, इस एक्स प्लस वन से ये एक्स प्लस वन पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये वाई इज इक्वल टू एक्स, ये लॉग एक्स रहेगा, यहाँ पर एक्स प्लस वन रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, माइनस समाकलन। अब ये वाली जो वैल्यू एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट गया तो यहाँ पे वन आ गया, फिर माइनस और यहाँ पर वन अपॉन एक्स प्लस वन बचा, और फिर ब्रैकेट यहाँ पे आ गया डी एक्स। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, एक्स ये लॉग एक्स प्लस वन है फिर माइनस, इसका अलग समाकलन करेंगे तो ये समाकलन वन इंटू डी एक्स आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समाकलन वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो यहां से y बराबर चल ही रहा है, ये y बराबर ये x ये आपका log x प्लस वन है कोई दिक्कत नहीं है, वन का समाकलन करेंगे तो वन एक्स हो जाएगा ठीक है, फिर ये आ गया प्लस, और ये देखिएगा आपको मैं बता दूं यहाँ पे वन अपॉन x का यदि हम समाकलन करते हैं तो कितना आता है log x आता है, ऐसे ही नीचे वन अपॉन x प्लस माइनस ए है, इसका यदि आप समाकलन कर रहे हो तो लॉग एक्स प्लस माइनस ए ही आता है। तो यहाँ पर आपका एक्स प्लस वन है तो इसका समाकलन करेंगे तो लॉग एक्स प्लस वन ही आएगा, और प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ देंगे सी आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। चाहो तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि वाई बराबर ये देखिएगा यहाँ पर और यहाँ पर देखिएगा, इसमें से log x प्लस वन ये log x प्लस वन, तो आप यहां से ये कॉमन ले सकते हो, log x प्लस वन आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसके अंदर ये यहाँ पर x बचेगा ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का वन बचेगा, ऐसे आ जाएगा, माइनस का ये x, माइनस का ये वाला x यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस का c, ऐसे भी आप उत्तर लिख सकते हो। चाहो तो इसमें से और इसमें से x भी कॉमन ले सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो y बराबर, इसमें से आप x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा log x प्लस वन, और यहाँ पर आपका प्लस वन बचेगा, ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, इसको छोड़िएगा, ये ही ज्यादा बेटर है, ये वाला आपका ज्यादा बेटर है, ये दोनों ज्यादा बेटर हैं। एक उत्तर ये है आप ऐसा छोड़ सकते हो इसको, ये भी उत्तर आपका सही है, और एक आपका उत्तर ये है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो उसके कई सारे उत्तर रहते हैं, तो आप एक इन दोनों में से कोई भी एक उत्तर लिख सकते हैं ठीक है, लाजवाब है ओके। चलिएगा वीडियो अब तक पसंद आया है तो भाई लाइक करिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को करते हैं, आगे देखिएगा अगला सवाल ये है, बहुत ही शानदार सवाल है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर ई की पावर माइनस वाई ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसके भी दो पार्ट में यहाँ पे कर ले रहा हूं ताकि आप यहाँ पे अच्छे से कर पाओ इसको। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई, तो ये प्लस एक्स स्क्वेयर
और e की पावर माइनस वाई है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम और सॉल्व करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर x इंटू इंटू e की पावर माइनस का y, अलग अलग कर दिए, ये e की पावर x था, देखिएगा ये घाते हैं आपकी x माइनस वाई है, तो x यहाँ पर आ गया और माइनस का वाई यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये प्लस, ये आपका एक्स स्क्वेयर है और ये आपका e की पावर माइनस वाई, e की पावर माइनस का वाई, देखिएगा ये e की पावर माइनस वाई, e की पावर माइनस वाई, ये कॉमन है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर माइनस का वाई, आप कॉमन ले लोगे तो e की पावर एक्स प्लस ये एक्स स्क्वेयर बचा, ठीक है। अब देखिएगा इस एक्स को इधर ले आओ और e की पावर वाई को आप इधर ले जा सकते हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, देखिएगा चलो ऐसे लिख दो, डी वाई बराबर इसको मैं कितना, वन अपॉन e की पावर वाई लिख सकता हूँ, और डी एक्स को इधर पहुंचा दूंगा तो e की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर और साथ में ये डी एक्स आ गया। अब वाई वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो e की पावर वाई, साथ में ये हो जाएगा डी वाई बराबर, और ये हो जाएगा e की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर और साथ में आ जाएगा डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का जब हम अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे सॉरी, तो e की पावर y साथ में आएगा डी वाई बराबर, और ये समाकलन e की पावर y प्लस सॉरी e की पावर इधर रहेगा x, e की पावर x ठीक है प्लस एक्स स्क्वेयर और ब्रैकेट, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर डी एक्स। अब इसका समाकलन करेंगे, e की पावर y का समाकलन करेंगे, तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, ऐसे ही e की पावर y का समाकलन करेंगे तो e की पावर y ही आएगा बराबर, ऐसे इसका समाकलन करेंगे e की पावर x का समाकलन करेंगे तो e की पावर x रहेगा, फिर प्लस अब यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3/3, यानी एक घात जुड़ जाती है तो एक्स की पावर 2 और 1 3, 3/3, प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, यहाँ पर कांस्टेंट सी जुड़ जाएगा, तो दिस इज योर आंसर, ये भी आपका एक उत्तर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब मैंने थोड़ा सा ये छोटा छोटा करके लिख रहा हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक ही डिस्प्ले पर आ रहा है पूरा सवाल, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको कोई कमेंट आता है या कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब आगे का सवाल अगली वीडियो में कराऊंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या इस सवाल को भी मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको भी करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है। वाई वाले टर्म को वाई की तरफ और एक्स वाले टर्म को एक्स की तरफ, ठीक है। चलिए यहाँ से हम सॉल्यूशन इसका कर दे रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई साइन 2x है, इसको इधर और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/y, साथ में आ जाएगा डी वाई, क्योंकि y को मैं इधर ले आया, 1/y डी वाई, डी एक्स इधर चला जाएगा तो ये साइन 2x तो है ही, इसके साथ में डी एक्स चला जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन 1/y साथ में डी वाई आ जाएगा, समाकलन साइन 2x इंटू डी एक्स ही आ जाएगा। ऐसे 1/y का समाकलन करते हैं तो लॉग वाई, यानी लॉग 1/x का लॉग एक्स होता है, तो ऐसे ही लॉग वाई आ जाएगा, फिर बराबर। अब देखिएगा, आप जानते हैं कि समाकलन साइन एक्स, साइन एक्स का समाकलन करते हैं तो माइनस का कॉस एक्स आता है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा माइनस कॉस एक्स, यदि ये चीज एक्स होती तो इसका समाकलन क्या होता, कॉस एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ पर 2x है तो कोई दिक्कत नहीं, ये जो 2x है तो इसको हम 2x लिख देंगे, फिर इंटू करके 1/, ये जो x माना है, जो x की जगह पर जो भी होता है उसका अवकलन करके नीचे लिख देते हैं, तो 2x का अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट जुड़ जाएगा c, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं इधर की साइड में सॉल्व कर दे रहा हूं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू माइनस कॉस
2x बट्टे 2 और ये हो जाएगा प्लस सी, सी हो जाएगा इसका। देखिएगा इसको हम इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप देखिएगा, या फिर आप इसको ही टोटल इधर ले आइएगा तो लॉग वाई प्लस कॉस 2x/2 बराबर सी, ऐसे भी देख लिख सकते हो, या नीचे आप एलसीएम भी ले सकते हो, दो एलसीएम ले लेंगे, दो की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 2 log y+ cos 2x बराबर सी, दो की मल्टीप्लाई सी में हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा 2 log y+ cos 2x बराबर 2c। देखिएगा 2c की ये c क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि 5, 10, 15, और फिर उसमें दो की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी तो अपने आप में कांस्टेंट, तो इसको मैं कैपिटल सी मान ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए लॉग की प्रॉपर्टी होती है इसको चाहो तो ऊपर भी चढ़ा सकते हो इस वाई के, तो ये कितना हो जाएगा log y² + cos 2x बराबर यहाँ पर कैपिटल सी, इस तरीके से भी आ सकता है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आपकी इच्छा है जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, आप चाहो तो देखिएगा यहाँ पर ये जो है आपका, चाहो तो आप यहाँ पर ये वाला उत्तर भी यहाँ पर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहो ये वाला उत्तर भी छोड़ सकते हो, आपका मन जहां पर करे वहां पर छोड़ दीजिए, या ये वाला बना दीजिएगा, आपका उत्तर सेम है, या ये वाला भी छोड़ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बस कैपिटल सी लिख देना यहाँ पर 2c की जगह पर। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।